भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र में कल हुए 3,70,000 रुपये के लूट मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से 1,80,600 रुपये रिकवर भी हुआ है, साथ ही एक बाइक भी पुलिस ने जब्त किया है। युवकों ने 28,000 रुपये के नए कपड़े, टीवी, साउंड बॉक्स समेत कई सामान खरीद लिए थे। बबरगंज थाना में सिटी DSP प्रकाश कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कल शाम घटना हुई थी। CCTV फुटेज में चार लड़के दिखे थे, जिसके बाद दो टीमों का गठन कर छापेमारी की गई। छापेमारी में पैसे लूटकर भागने वाले सुमित व प्रद्युमन को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों बबरगंज थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। सुमित के घर से 1,80,000 रुपये के साथ कई सामान बरामद हुए हैं। बता दें कि कल शाम में युवकों ने मानिकपुर के बुजुर्ग कैलाश झा से 3,70,000 की रुपये की लूट कर ली थी। बुजुर्ग ने जमीन बेचकर अपनी किडनी के इलाज के लिए रुपये इकट्ठा किया था। कमलनगर के पास घात लगाए एक युवक ने बुजुर्ग के हाथ से रुपये भरा थैला छीन कर फरार हो गए थे। कल दिनांक 7 फरवरी 2022 की घटना है। एक वृद्ध आदमी जमीन बेचकर अपना पैसा जमा करने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक गए थे। लगभग उसमें 3,70,000 रुपया था, लेकिन वहां समय ओवर होने के कारण उनका पैसा जमा नहीं दिया गया और बैंक के द्वारा कहा गया कि आप कल आइएगा। तो वो व्यक्ति वापस आ रहा था, जैसे ही टेम्पो से उतरा था वहाँ पर पहले से घात लगाए हुए चार लड़के थे, जो उसमें से एक तुरंत उसके हाथ में जो बैग रखा हुआ था झोला, तो उसको छीन के भागने लगा। उसके पीछे पीछे वे जो वृद्ध व्यक्ति थे वो भी भागे, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए। तब तक वो लड़का रुपया का थैला लेके निकल चुका था। ये घटना 2:30 बजे की है, लेकिन वो इसकी सूचना पुलिस को नहीं दिए और सूचना लगभग 5:30 बजे के शाम पुलिस को मिला। जैसे ही सूचना मिली घटना का सत्यापन करने के लिए यहाँ से बबरगंज थाना से PSI को भेजा गया। तत्पश्चात मुझे सूचना दी गई थी और मैं तुरंत वहाँ घटनास्थल पर पहुँचा। पहुँचने के बाद CCTV फुटेज खंगाला, बाद बाकी और भी बादी से पूछताछ किया, आसपास के लोगों से पूछताछ किया। इसी दरमियान CCTV फुटेज से कुछ संदिग्ध लड़कों का हमको पहचान हुआ। तत्पश्चात हमने एक लड़का को संदेह के आधार पर पूछताछ किया, तो वो जब कड़ाई से पूछताछ किया तो उसने और भी लोगों का नाम बताया और तीन लड़कों का नाम बताया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने टीम अलग अलग टीम गठित करके हम लोगों ने छापेमारी स्टार्ट किया। और इसी दरमियान एक अभियुक्त जो पकड़ा गया है उसके घर पर जब छापेमारी किया गया तो उनके घर से 1,80,600 रुपये नकद बरामद हुए। इसके अलावे उस पैसा से लूट की पैसा से जितने भी सामान खरीदे गए थे लगभग 7,500 का सामान है वो भी था, बिल भी था वहीं पर। सारे को हम लोगों ने विधिवत जब्त किया और जब्त करने के बाद थाने, लेकिन सुमित कुमार जो अपराधी था वो पकड़ में नहीं आया। और फिर उसके बाद हमने कुछ और भी गुप्तचर लगाए और उसको देर रात को गिरफ्तार किया गया। इस घटना में प्रद्युमन और सुमित को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा दो लड़के और हैं जिसके लिए छापेमारी की जा रही है, उनको भी जल्दी गिरफ्तार करेंगे। कहाँ का है ये प्रद्युमन और सुमित? ये दोनों यहीं के रहने वाले हैं, लोकल ही हैं, इसी थाना के अंतर्गत पड़ता है। ये थाना कांड संख्या 45/22 है, ठीक है, 392 के तहत केस दर्ज किया गया है।